हाँ नमस्ते जी, नमस्ते। आपका नाम क्या है सर? शुभ नाम। हनुमान दास राम गोपाल सोनी। ओके, भाभी जी आपका नाम बताइए। चंद्रकला हनुमान दास सोनी। ओके नमस्ते। सर, आप किसके लिए इधर आए थे? हाँ मिसेस का वजन बढ़ा था और पहले की दवा दे दी उसे साइड इफेक्ट होके वजन बढ़ गया था, ओके। उसके लिए दिखाने के लिए आए थे आपके पास। ओ भाभी, इससे पहले आपको क्या हुआ था? दिक्कत क्या हो रही थी जिसके लिए किडनी आपने दवा ले रहे थे? कुछ बोल रहे थे किडनी का कुछ प्रॉब्लम था क्या? पे दो ही नहीं, किडनी पे सूजन थी मेरी। ओके उसके बारे में कि हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट थी, ओके वो दवा से साइड इफेक्ट हो गया था, वजन बहुत बढ़ गया था। ओके अभी भी आयुर्वेदिक एलोपैथिक ली तो वजन बढ़ता ही है मेरा। ओके ओके तो फिर प्रणव निसर्गोपचार में कैसे क्या आए थे आप? ऐसे ही मालूम पड़ा भंडारी जी ने सिफारिश की तो बता नहीं पा ओके, रहे। अभी कितने दिन हो रहे हैं आपको यहाँ पे? 13 दिन हो गए आज। ओके, तो क्या दिक्कतें क्या क्या होती थी आपको वजन के साथ साथ? वजन के साथ साथ सभी दुखता था, सांधे वगैरह घुटने दुखते थे, ओके, नींद वगैरह रहता था? नींद आती थी लेकिन उसमें फ्रेश नींद नहीं थी मेरी। ओके ओके, और भूख वगैरह लगने का कैसा था? भूख नहीं लगती थी, ऐसे दो टाइम हुई तो खा लेती थी। ओके, और वजन की वजह से चलने में वगैरह धाप वगैरह हाँ दिक्कत? दांत लगती थी, अभी नहीं है वो प्रॉब्लम। ओके ठीक है। फिर ये अभी 13 दिन आपके हो गए आज, तो आपको अभी कैसा लग रहा है ये 13 दिन अभी में? फ्रेश लग रहा है, धाप भी नहीं लगती है, हाँ, और जॉइंट पेन का वगैरह नहीं जो? अभी कोई भी तकलीफ नहीं है वो 13 दिन ओके, में। वजन का कितना कम हुआ है ये 13 दिन में? 3 सवा 3 किलो कम हो गया। ओके, इससे पहले वजन कम नहीं होता था कुछ भी करे तो? नहीं कम नहीं होता था। ओके, तो देखो कि प्राकृतिक चिकित्सा इतनी सरल है कि इसका थोड़ा सा आहार विहार का आप अगर पालन करें, थोड़ा सा प्राकृतिक के कुछ मिट्टी पानी के जो उपचार है उसका एक साइंटिफिक वे से अगर उपयोग करके हम हमारा दिनचर्या में शरीर को साफ रखें तो बहुत सारी बीमारियां जो है हम इससे कंट्रोल कर सकते हैं। शरीर साफ रहेगा तो बीमारियां अपने आप से कंट्रोल रहेगी। किडनी हो या देखो कोई भी शरीर से जो है गंदगी साफ करने के लिए ये चार ऑर्गन ही है, जैसे सांस है, स्किन है, किडनी है और आपका लार्ज इंटेस्टाइन है। तो ये चारों सिस्टम अगर साफ रखेंगे तो बीमारियां नहीं होंगी। और इसीलिए आप समझो, आप बोले कि बाहर से हमने जब दवाई ली थी तो वजन बढ़ रहा था। यही चीजों को अगर स्टिमुलेट करने के लिए हम अननेचुरल तरीका यूज करते हैं तो फिर इसमें खरबड़ी आती है और बीमारी बढ़ती है और वजन बढ़ने लगता है। तो बस प्राकृतिक वे से अगर शुद्धिकरण करें। ये 10 दिन में आपको कुछ यहाँ पे दवा दिया क्या? नहीं दवा वगैरह कुछ नहीं किया, नहीं नहीं बस उपचार लिए ये मिट्टी पानी के, हाँ और आहार का कुछ कैसा किया घर पे? वो डाइट जो चार्ट था तो उसपे लिया। ओके, देखो ऐसे ही आप आपके जीवन में प्राकृतिक चिकित्सा का अनुसरण करें और स्वस्थ रहे, यही शुभकामनाओं के साथ। अभी आप इस ट्रीटमेंट से खुश हैं? ओ ओके, थैंक यू।